अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ मसाला मिर्ची फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये मैंने 8 हरी मिर्च ली है बड़ी साइज की। तो जो हरी मिर्च ज्यादा तीखी नहीं होती, तो वैसी हरी मिर्च आपको इस रेसिपी में यूज करनी है। तो सबसे पहले तो हमें मिर्ची को अच्छी तरह से धो लेना है, इसे वॉश कर लेना है, और फिर हमें मिर्ची में बीच से कट्स लगा लेने हैं। तो मिर्ची के जो साइड वाला हिस्सा होता है वहाँ पर हमें कट नहीं लगाना है। मिर्ची का जो सेंटर वाला हिस्सा है उसमें हम कट लगाएंगे। अगर आपने साइड में कट लगा लिया तो फिर जब हम इसमें मसाला फील करेंगे तो वो फ्राई करते वक्त बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये जो साइड वाला हिस्सा है इस पर आपको कट नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम इसके बीच वाले यानी कि सेंटर वाले हिस्से में हम कट लगाएंगे। तो मिर्ची को हमें दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करना है, बस इसकी एक साइड को हमें इस तरह से काट लेना है। तो ये सारी मिर्ची पर मैंने चीरा लगा दिया है, और अब देखिए ये जो मिर्ची के अंदर बहुत सारे मिर्ची के बीज नजर आ रहे हैं तो उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अगर आप इसके बीज नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मत निकालिए, लेकिन ये वाली जो मिर्ची है ये मुझे थोड़ी तीखी लग रही थी तो इसलिए मैं इसके बीज रिमूव कर रही हूँ ताकि इसका थोड़ा तीखापन कम हो जाए। आप मिर्चियों के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस भी लगा सकते हैं, उससे भी मिर्ची का तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। तो मिर्ची के मैंने सारे सीड्स रिमूव कर लिए हैं। तो अब देखिए, ये मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है एक कटोरी में। तो ये नमक को हमें क्या करना है, ये मिर्ची के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। तो ये देखिए, ये मैंने एक चुटकी नमक ले लिया है, तो बस इतना सा नमक हमें लेना है और एक एक करके ये सारी मिर्चियों में हमें एक एक चुटकी नमक लगाते जाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब मिर्ची हम फ्राई करेंगे तो वो फीकी फीकी नहीं लगेगी, उसमें थोड़ा सा नमक का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नमक भी हमें इसमें नहीं लगाना है क्योंकि हम मसाले में भी नमक ऐड करने वाले हैं, तो एक चुटकी काफ़ी हो जाएगा एक मिर्ची के लिए। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सारी मिर्चियों पे मैंने नमक लगाकर रख लिया है, तो अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो मिर्ची का मसाला तैयार करने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। तो इस जार में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये डंडियों के साथ ही मैंने हरा धनिया काट लिया था, तो ये तकरीबन मैंने हाफ कप लिया है। और ये चार मैंने लहसुन की कलियां ले ली हैं। तो बहुत ज्यादा लहसुन भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि लहसुन में भी हल्का सा तीखापन होता है। तो अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप लहसुन इसमें थोड़े कम ही डालें। और इसके बाद ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और ये दो चम्मच भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा साबित धनिया, और बस ज़रा सा नमक हम मसाले में भी ऐड कर देंगे। तो बस सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं, तो इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। बिना पानी का यूज़ किए हुए हमें इसे पीस लेना है। तो ये देखिए, ये मसाला हमने पीस लिया है, तो बस इस तरह से दरदरा ही मैंने इसे पीस लिया है। तो ये मसाला हमारा रेडी है, तो सारी मिर्चियों में हम इसकी फिलिंग भर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सारी मिर्चियों में मसाले को भर लेना है, इसे फील कर लेना है। तो सारी मिर्चियों में मैंने मसाला फील कर लिया है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप तवे पर भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में डाल दिया है, तो इसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। और जैसे ही ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक एक करके ये सारी मिर्चियाँ रखते जाएंगे। तो इसमें चम्मच हमें बार बार नहीं चलाना है, ऐसा करने से हो सकता है मसाला सारा बाहर आ जाए। तो बस जैसे ये एक साइड से फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये जो मिर्ची है एक साइड से फ्राई हो चुकी है, तो इसकी साइड अब हम चेंज कर लेते हैं। तो बीच की साइड में कट लगाने से देखिए मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है। अगर आप ऊपर की साइड में कट लगाकर मसाला भरेंगे तो जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो सारा का सारा मसाला बाहर आ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, जब भी आप मिर्ची में कट्स लगाएंगे तो आपको इसके अंदर वाली साइड में कट लगानी है। तो फाइनली हमारी दोनों साइड से मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो माशाल्लाह देखिए, बहुत ही जबरदस्त हमारी ये मसाला मिर्ची फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और एक दिल से छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मिलने वाला एक इनाम है हमारे लिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। फरहीन को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।